बहराइच जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला अपने खूबसूरत जंगलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। बहराइच जिला देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बहराइच शहर में स्थित है। दोस्तों, प्राचीन काल में इस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर के नाम पर इस जिले का नाम बहराइच पड़ा, जो वर्तमान समय में यह जिला बहराइच के नाम से जाना जाता है। जिले की स्थिति की बात करें तो बहराइच जिला उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है। बहराइच जिले के पूर्व में श्रावस्ती जिला, पश्चिम में सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिला, दक्षिण में बाराबंकी जिला, इसके अलावा नेपाल देश की सीमा से सटा हुआ है। घाघरा नदी के किनारे बसा बहराइच शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 128 किलोमीटर, वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली से 627 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 4697 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बहराइच जिले की कुल जनसंख्या 40,40,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 21,36,000 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 19,04,000 है। दोस्तों, वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से बहराइच जिले में 65.71% हिंदू, 33.53% मुसलमान, 0.18% ईसाई और 0.43% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं शैक्षिक दृष्टिकोण से बहराइच जिले की कुल साक्षरता दर 50% है। किसान पीजी कॉलेज, महिला महाविद्यालय, सरकारी आईटीआई कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान बहराइच जिले में मौजूद हैं। दोस्तों, बहराइच जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, गन्ना, धान व दलहनी फसलें हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से बहराइच शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, बहराइच जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन बहराइच रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड BRK है। इस स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म व 5 ट्रैक मौजूद हैं। गोपालगंज रोड एक्सप्रेस, गोकुल एक्सप्रेस, मैलानी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें इस स्टेशन के माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग, बहराइच जिला सड़क मार्ग के द्वारा उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के अनेक शहरों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है और जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो कि बिहार राज्य के बरौनी शहर से जोड़ती है। और बहराइच शहर में मौजूद बस अड्डा, जो कि नासीपुरा में स्थित है, यहाँ से लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों को नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग, वैसे तो दोस्तों बहराइच जिले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है। जिले का सबसे करीबी हवाई अड्डा वह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि लखनऊ शहर में स्थित है, जिसकी दूरी बहराइच शहर से 144 किलोमीटर की है। दोस्तों, बहराइच जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर, यह मंदिर बहराइच जिले का काफी प्राचीनतम मंदिर है, जो कि बहराइच शहर में घंटाघर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर हर सोमवार और महाशिवरात्रि के पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। राजकीय इंदिरा गांधी उद्यान, यह खूबसूरत उद्यान बहराइच जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह उद्यान बहराइच जिले के कलेक्टर ऑफिस के पास में स्थित है। उद्यान में खूबसूरत पेड़ पौधों का नजारा देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर सुबह के समय यहाँ के लोग घूमने तथा योगा करने के लिए इस उद्यान में आते हैं। करतनिया वन्य जीव अभ्यारण्य, यह खूबसूरत वन्य जीव अभ्यारण्य भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में स्थित है। इस अभ्यारण्य से गिरवा नदी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा गिरवा नदी में मगरमच्छ, मछली, घड़ियाल जैसे कई जलीय जंतु रहते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक मस्ती करने के लिए आते हैं। राजा की कोठी, यह कोठी बहराइच जिले का एक खूबसूरत ऐतिहासिक महल है। राजा की कोठी बहराइच जिले के नानपारा नामक स्थान पर स्थित है। इस शानदार कोठी का निर्माण राजा शहादत ने करवाया था। वर्तमान समय में इस महल की स्थिति काफी ठीक नहीं है, परंतु यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक इसे देखने के लिए आज भी आते हैं। दोस्तों, यदि आप बहराइच जिले को आ रहे हैं तो इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर एक बार घूमने के लिए जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।